feel. भाई पार्टी का धंधा है। हाँ, छोटू राम किसी पार्टी का नहीं था, प्रतिभा किसी की भी हो, लेकिन झंडा नहीं पार्टी का चला। अपने देश का झंडा ला दिया, किसान यूनियन का झंडा ला दो, ये रोष है भाई। वाह, बिल्कुल जी, सारे चौक में कुर्सी चौक पर जी प्रतिभा का कुर्सी है, वो हमने को आवाज नहीं है किसी का। ले 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 भाई साहब, ये बीजेपी का चौक नहीं था, ये किसानों का चौक था। छोटू राम 36 जाति के मसीहा थे, और इन्होंने बीजेपी वाले ने इस पे झंडा टांग दिया, तो किसानों के बड़कों में विरोध था, तो इस करके हमने ये झंडे उतारे हैं, ये लड़िया उतारी है। ओए चल नारे, हाँ जी, राम राम सारे भाई ने। आज जो बीजेपी की रैली कैथल में, कल को आयुष थोड़ी है। नाम क्या आपका? मेरा नाम सोनू मलिक है। आज झंडे क्यों उतारे गए आप लोगों ने? ये हमारे सब किसान मजदूर युवाओं में रोष है इस चीज का। छोटू राम जी कोई राजनीतिक मंच नहीं है, रैली किसी पार्टी की थी, लेकिन एक महात्मा की मूर्ति पे किसी पार्टी विशेष का झंडा लगाना, इसमें युवाओं में रोष है, पूरे किसान मजदूर एकता में इस चीज के खिलाफ है भाई। मारे छोटू राम के ऊपर किसी पार्टी का झंडा नहीं है। तो ये विरोध भाजपा का है, भाजपा के नेताओं का है, ये झंडे का है, क्या मामला है ये? ये सभी पार्टी का, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सभी पार्टी का विरोध कर रहे हैं हम, किसी विशेष पार्टी नहीं। हमें तिरंगा लहराना है यहाँ पे, किसी पार्टी का झंडा का रोष हमारे अंदर। तो ये विरोध आज ही है, कल भी रहेगा? कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। तो रैली स्थल पर भी जाके विरोध करने? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम हमारी तैयारी में कोशिश करेंगे, झंडे दिखाने की कोशिश करेंगे, रैली स्थल पर जाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं काले झंडे, क्या हो गया भाई? काले झंडे तो ये जो अपमान है हमारे महापुरुषों का, ये रैली करो अच्छी बात, लेकिन ये हमारे महापुरुषों का अपमान है, जो एक प्रतिभा के ऊपर लगा के, ये जो तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा, किसी पार्टी का, बीजेपी का नहीं, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो। आप लोग कौन सी पार्टी से? नहीं, हम न्यूट्रल हैं भाई, हमारी कोई पार्टी, हम किसान किसान यूनियन से जुड़े आदमी हैं, किसी पार्टी से नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? किसान यूनियन से जुड़े आदमी हैं, किसी पार्टी से नहीं है। और जो ये छोटू राम चौक था, ये बीजेपी का कोई चौक नहीं था, ये किसानों के मसीहा का चौक था, और इन्हें झंडे लगाए, इनके झंडे दफ्तर में वापसी जमा करा के आएंगे, इसलिए हमने विरोध किया है। ये किसानों को मसीहा का चौक था, उन्होंने नजायज लगा रखे थे यहाँ पे। तो झंडे लगाने वालों को क्या कहेंगे दोबारा? झंडे लगाने आ जाएंगे, लगाने वालों को लगाने की हिम्मत करती ना, तो उनको ऑफिस में पड़ पड़ के वो करेंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा यहाँ झंडे लगा देंगे। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? लंबा भाई। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है युवाओं की ओर से? झंडे उतार कर गुस्सा चाहिए युवाओं का, यही संदेश है कि प्रतिभा चाहे किसी की भी हो, किसी भी महापुरुष की हो, उसके ऊपर अपना देश का झंडा लगाए। अच्छा। अगर किसी पार्टी का विशेष झंडा लगेगा वो उतारा जाएगा। अच्छा। ये आप लोगों को कोई दिक्कतें क्यों है? विश्वकर्मा चौक पर भगवान विश्वकर्मा जी की अभी उतारेंगे, अभी सारे महापुरुषों को उतारेंगे, अगर बीजेपी का झंडा है ना तो सभी से उतार, चाहे किसी पार्टी का हो। हाँ, कोई नारेबाजी नहीं करेंगे? नहीं, कोई नारेबाजी कुछ नहीं।